बच्चे, पहले तो वो परिभाषित सब ये सब के बारे में आप लोग को जानकारी दिया गया, लेकिन आज मेरा ये चौथा दिन है। तो इस चौथे दिन में आपके यूनिट 3 में संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात के बारे में आता है। और हर बार जो एग्ज़ाम होती है तो उसमें या तो संगीत रत्नाकर या तो संगीत पारिजात है। ये पहले भी सिलेबस के डिस्कशन में हमने आपको बताए थे, तो दोनों से कोई एक आ ही जाता है। तो आज हम चाह रहे हैं कि ये दोनों के बारे में आपको जानकारी हो जाए, है ना। और जितना इसको अच्छा से लिख सकिए इस क्वेश्चन को, उतना अच्छा मार्क्स भी मिलेगा आपको। 6 मार्क्स का रहता है ये, है ना। तो संगीत रत्नाकर जो है, इसके रचनाकार हैं सारंग देव। ये 1210 से लेके 1247 ईस्वी के बीच के समय के बीच का ये रचना है, है ना। 1210 से यानी 1210 टू 1247, क्योंकि आप लोग बहुत हैं ऐसे हैं जो कि हिंदी में बोलते हैं अंक तो आप लोग को समझ में नहीं आता है। तो इसका ये समझ लीजिए कि 1210 टू 1247 के मध्य का समय माना जाता है। इसी बीच में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। ये देवगिरी यानी अभी जो दौलताबाद है ना, उस समय यादव वंशीय राजा के दरबार में ये दरबारी संगीतज्ञ थे सारंगदेव। और उस समय क्या कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंडित सारंगदेव संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की, ये उसी समय की है। इसमें कि नाद श्रुति स्वर ग्राम मूर्छना जाति इत्यादि विवेचन इसमें जो है सो भली प्रकार से बढ़िया से सब के बारे में जानकारी इस ग्रंथ में किया गया है। दक्षिणी और उत्तरी संगीत विद्वान इस ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ मानते हैं, बेस मानते हैं। आधुनिक ग्रंथों में संगीत रत्नाकर के अनेक उद्धरण पाठक ने देखे हैं, तो सारंगदेव ने इस ग्रंथ में मतंग से अधिक विवरण दिया है। मतंग जितना दिया है उससे ज्यादा दिया है, किंतु सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों का मत जो है सो एक ही है ना, एक जैसा है। इसमें गायन वादन तथा नृत्य तीनों का वर्णन है, इसमें पूरा विवरण तीनों के बारे में विवरण दिया गया है ना। इसमें स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्ण का अध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वादाध्याय और नर्तनाध्याय के अंतर्गत प्रथम अध्याय जो तो इसका हुआ, उसमें नाद का स्वरूप, नादोत्पत्ति और उसके भेद, सारना चतुष्टय, ग्राम मूर्छना, तान निरूपण, स्वर जाति साधारण, वर्ण अलंकार तथा जातियों का विस्तृत वर्णन किया गया है इसमें प्रथमाध्याय में। तो इस बार का बोर्ड के क्वेश्चन में भी एक आया भी था, एक नंबर के क्वेश्चन में आया था कि संगीत रचनाकर में कितने अध्याय हैं। तो कितने अध्याय हैं तो अभी आपको हम बता ही दिए कितना अध्याय है। इसमें 7 अध्याय है ना, और 7 अध्याय है और इस ग्रंथ में 264 रागों का वर्णन किया गया। ये सब एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि संगीत रत्नाकर में कितने राग का वर्णन किया गया है, तो जिनको आएगा वो सही आंसर देंगे, है ना। और कितने अध्याय हैं तो भाई 7 अध्याय हैं, है ना। दूसरे अध्याय में इसका जो है क्या किया गया है कि ग्राम राग व विभाग रागांग भाषांग शब्दों का स्पष्टीकरण और देसी राग और उनके नाम आदि ये सब दिए गए हैं, ये दूसरा अध्याय में। फिर इसी का 3रा अध्याय है वाद्यकार के लक्षण, वाद्यकार के लक्षण, गीत के गुण दोष, गायक के गुण दोष अस्थाई इत्यादि ये सब का वर्णन है। ये सब के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दिया गया है इस ग्रंथ में। अब चौथे अध्याय में है क्या कि निबद्ध और अनिबद्ध, निबद्ध और
अनिबद्ध भेद, धातु व प्रबंध के भेद, अंगों इत्यादि सबका वर्णन किया गया है। इसलिए चौथा अध्याय हो गया। पांचवा अध्याय में है कि ताल विषय तथा छठे अध्याय में तत्सुशीर अनबद्ध और घन वाद्यों के भेद, वादन विधि, ये सब के वादों का जो वादक होते हैं उसका क्या गुण दोष होता है उसके बारे में अधिक जानकारी दिया गया है इसमें। और सातवां अध्याय में सबसे अंतिम अध्याय इसका आ गया। सातवां अध्याय में क्या है इसका कि नृत्य, नाट्य और नृत्य पर इस पर आधारित है। इसमें नर्तन संबंधी है ना प्रत्येक बातों को स्पष्ट किया गया है। इसमें एक बात तो हम आपको बता ही दिए, इसमें कुल जो है 264 रागों का वर्णन किया गया है। इन रागों का वर्गीकरण है उपराग, वर्गीकरण राग है और क्या है कि उपराग आदि के आधार पर भी किया गया है। इस वर्गीकरण का आधार का क्या है, यह विदित नहीं होता है। वर्गीकरण का आधार जो है सो इस प्रकार है कि जैसे ग्राम राग, ग्राम राग में क्या है कि 30 उपराग है ना, ग्राम राग में 30 उपराग है और उसके बाद फिर राग जो है सो 20 है उसमें 20 पूर्व प्रसिद्ध राग, रागांग राग है 8 है, उसके बाद पूर्व प्रसिद्ध भाषांग राग है 11 है, अधुना प्रसिद्ध रागांग राग है, पूर्व प्रसिद्ध उपांग 3 है, पूर्व प्रसिद्ध भाषा है ना वो 96 यानी 96 पूर्व प्रसिद्ध भाग विभाग विभाषा राग 20 है उसमें। इस प्रकार से बहुत सारा है कि अंतर्भाषा राग है 4 है, प्रचित्र राग उसमें 1 भी है, उनके काल में प्रचित क्रियांग राग 3 है, भाषांग राग उसमें जाकर 9 ही है ना, उनके काल में प्रचित उपांग राग 27 है ना। इस प्रकार से तब है क्या कि सारंग देव ने यदि अपने ग्रंथ में नीवम भरत के नाट्य शास्त्र तथा बृहद्देशी पर रखने की चेष्टा की, परंतु अस्पष्ट है कि उनके समय में भरत की जातियां नष्ट हो चुकी थी तथा मतंग के काल के देसी रागों के स्थान पर अनेक नए राग उसका स्थान ले लिया था। उसका जो पहले का था उस पर कुछ कुछ लोग समय के अनुसार अपना अपना कुछ बदल देते हैं, थोड़ा सा अपना कुछ इधर उधर करके बस नया राग बना दिया और ये सब कर देते हैं। तो जो स्थान ले लिया था जो राग उसको अधुना प्रसिद्ध राग भी उसको कहा जाता था। इसलिए सारंग देव को अधुना प्रसिद्ध रागों के विषय में कुछ कहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो तो समय के अनुसार से थोड़ा सा बदल करके नया राग स्थान ले लिया था, परंतु अपने रागों के क्रम पीछे के सिद्धांतों से भी जोड़ना था, रागों का क्रम में उसको पीछे के सिद्धांत से जोड़ना था। तो क्या हो गया कि रागों के संबंध पुराने रागों के संबंध में जोड़ने के क्रम में कि बिल्कुल पर क्या जोड़ने का जो प्रयत्न किया तो परंतु जातियों का बिल्कुल लोप हो जाने के कारण संबंध सुचारू रूप से वो जुड़ नहीं पाया, जो वो सब बाद में जो बना था वो ढंग से जुड़ नहीं पाया। इसके बाद क्या हुआ कि यह ग्रंथ संगीतज्ञों के लिए कुछ दुर्बोध जैसा हो गया, ठीक उतना नहीं लगने लगा है ना। तो क्या हो गया कि इस प्रकार से सारंगदेव ने श्रुति स्वर ग्राम जाति के वर्णन में भरत का अनुकरण तब किया, जो भरत ऋषि उनका जो किया हुआ था उसका अनुकरण किया, फिर भी उस पद्धति में प्रगति और विकास के लक्षण का जो है सो कोई अभाव नहीं था। मूर्छनाओं के मध्य सप्तक में स्थापना, विकृत स्वरों की कल्पना, मध्यम ग्राम का लोप और प्रति मध्यम की उत्पत्ति इत्यादि विषय रत्नाकर की मौलिकता को प्रकट करते हैं। यह आपका जो संगीत रत्नाकर हुआ, जितना बात बोले इससे ये बात भी इतना भी अगर संक्षेप में लिख दिया जाए तो मार्स अच्छा ही आ जाता है। इसमें ये संगीत रत्नाकर इस बार आया भी था है ना, उससे क्वेश्चन भी आया था है ना। तो जो बोले इस चीज़ को एक बार दो बार आप लोग फिर से सुनिएगा, सुन के इसका अपना कॉपी में लिखिएगा और हमको दिखाइएगा, देखेंगे कहाँ तक लिख पाए हैं आप लोग। और इसका दूसरा फिर आ जाता है क्या कि संगीत जो पारिजात, अब संगीत पारिजात आ गया। तो अहोबल कृत पंडित अहोबल कृत, अहोबल के द्वारा जो है सो लिखा है, ये संगीत पारिजात है।
या संगीत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये भी ग्रंथ ही है, संगीत रत्नाकर भी एक ग्रंथ ही है। दो ग्रंथ के बारे में पढ़ना है तो ये भी ग्रंथ है। इसका रचना काल है 1665 ईस्वी के उत्तरार्ध माना गया है, है ना। 1665 का मतलब 1665, है ना। आप लोग बार बार क्लास में भी कभी हम कहते हैं कि आज ये 16 मात्रा हुआ, सर 16 कितना हुआ, तो 16 हुआ। उसी प्रकार से 1665 कहने का मतलब 1665 के उत्तरार्ध माना गया है। सन 1724 ईस्वी में पंडित दीनानाथ द्वारा इसका अनुसरण, इसका अनुवाद जो है सो हो गया फिर फारसी में। ये सब क्वेश्चन आपको एक नंबर वाला में भी आ सकता है कि पंडित दीनानाथ द्वारा इसका अनुवाद फारसी में कब हुआ, तो आपको कहना होगा कि 1724 में हुआ, यानी 1724। इस ग्रंथ में अनेक ऐसे रागों का वर्णन हुआ है जो कि उत्तर भारत में तो प्रचार में नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के में विशेष रूप से प्रचलित है। उत्तर भारत में इसका प्रचार में नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के जो दो पद्धति होती है ना, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दक्षिण भारत संगीत पद्धति, तो दक्षिण भारत पद्धति में इसके अधिकार कुछ प्रचलित है जो कि वहाँ मिलता है, किंतु दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। परंतु क्या हुआ, जिस पद्धति की विवेचना इसमें की गई है वह ठीक रूप से उत्तर भारत संगीत पद्धति की ही है। वह है ऐसा कि ये आधार है कि अहोबल जो है वास्तव में रहने वाले थे दक्षिण के, निवासी वो थे दक्षिण भारत के, और आ करके रहने लगे कहाँ, तो उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में जो रहने लगे तो, और रचना जो कि इस ग्रंथ का जो अहोबल जी जो इसका रचना किए सो उत्तर भारत में रह करके किए, तो रह करके जो किए तो इसलिए जो है सो बहुत सारा चीज़ इधर का भी उसमें हो गया, और बहुत सारा जितना काम का चीज़ उसमें उत्तर भारतीय वाले को ही मिल रहा है, है ना। तो यही बात, उन्होंने स्वरों की स्थापना हृदय कौतुक भी एक किताब है, हृदय कौतुक के अनुसार ही की है। इसका शुद्ध सप्तक, जैसे हमारे राग ये क्या कहते हैं काफ़ी थाट की भांति ही, इन्होंने शुद्ध विकृत मिलाकर के 29 स्वर बताए हैं। शुद्ध स्वर और विकृत स्वर सब मिलाकर के 29 बताए, जबकि इधर तो 22 है ना, नहीं नहीं 22 नहीं 12 है, सॉरी 12 है, 4 कोमल और 2 तो चल अचल स्वर हुआ, सा और प अचल स्वर और चल स्वर 5 हुआ, 12 हुआ, तो 12 भी है, लेकिन उन लोग का 29 स्वर है। उन्होंने रागों का वर्गीकरण में क्या है कि थाट नहीं किया है, थाट का स्थान नहीं दिया है, किंतु यदा कदा थाटों के नाम दे दिए हैं कहीं कहीं। इस ग्रंथ में लगभग 122 रागों का वर्णन मिलता है। हाँ, अब ये भी बात आ गया कि आपको ये जो संगीत पारिजात में कितना राग का वर्णन मिलता है, तो 122 यानी 122, ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, इसको भी याद रखना है, है ना। प्रत्येक राग में लगने वाले स्वरों की जो है आरोही अवरोही ग्रह न्यास मूर्छना ये सब स्वरों का उसमें वर्णन मिलता है। इस किताब में बहुत अच्छा से समझाया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने न्यास और अंश स्वर का उल्लेख नहीं किया है इस किताब में, न्यास स्वर और अंश स्वर का उल्लेख नहीं किया। न्यास मतलब होता है कि पूरा राग को गाते हुए कहाँ पर आपने खत्म किया, है ना, तो इसका उल्लेख नहीं किया है। वहाँ इन स्वरों के स्थान पर सा को मान लिया है कि कोई भी राग अपना सा को खत्म कर दीजिए, है ना, और सा से ही शुरू कर दीजिए अंश स्वर। जिस स्वर के समूह से राग प्रारंभ होता है उसे उद्ग्राह कारक तान कहा है, जहाँ से शुरू होता है राग, जहाँ से शुरू होता है उसको उद्ग्राह कारक तान कहा गया। इस प्रकार उद्ग्राह कारक तान प्रत्येक राग की परिभाषा के बाद दी गई है। ये आपका जो संगीत परिजात आज की क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा, संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात, ये यूनिट 3 में आपके सिलेबस में है, और पूरी जानकारी इसमें
जितना हुआ हम तो दिए, और इसका लोग इसका नोट्स बना लीजिए, बार बार सुनिएगा, सुनने के बाद इसका मैटर को बढ़िया ढंग से लिख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।